यहाँ पर आप दो शक्तिशाली न्यूडानियम चुंबक और एक स्टील रॉड के घूमने का आनंद लीजिए। इसको कहते हैं मैग्नेटिक रोटेशन ऑयलर्स डिस्क। इसके लिए आपको दो चुंबक चाहिए न्यूडानियम के, एक स्टील की रॉड चाहिए 12 सेंटीमीटर की और एक कांच की शीट चाहिए। कांच की शीट को आप दो टेबल के बीच में रखें। ये एक अंगूठी जैसा रिंग मैग्नेट है न्यूडानियम का। ये एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट है जिससे 12 सेंटीमीटर की स्टील की रॉड चिपक जाती है। सबसे पहले आप रिंग मैग्नेट को कांच की शीट के ऊपर रखिए और नीचे से रॉड को चिपका दीजिए। फिर आप एक गति दीजिए, एक बार घुमाइए रॉड को और ये रॉड लगातार बहुत देर तक घूमती रहेगी। अगर कोई डिस्क एक समतल सतह के ऊपर लगातार घूमती रहती है तो इस गति को ऑयलर्स डिस्क के नाम से जाना जाता है। और ये ऑयलर, लियोनार्ड ऑयलर, एक स्विट्जरलैंड के बहुत ही मशहूर भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे। तो अभी ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का राज ये है, क्योंकि जब ये रॉड घूमती है तो इसमें ऊर्जा का बहुत कम ह्रास होता है, बहुत कम लॉस होता है ऊर्जा का फ्रिक्शन की, घर्षण की वजह से। जैसे कोई मैग्नेटिकली लेविटेशन जो ट्रेन है वो बहुत सारी गति पैदा करती है थोड़ी सी ऊर्जा के से, और वही आलम यहाँ पर भी है। अब इस गति को हम एक बार दोबारा देखेंगे। आपने नीचे की रॉड को घुमाया तो वो लगातार बहुत देर तक घूमती रहेगी। अभी न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट गतिशील रहता है तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रुकावट नहीं डालता। और यहाँ पर रोकने वाला बल एक तो हवा का घर्षण है और दूसरा चुंबकों की पुल है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। और जैसे जैसे इसका व्यास कम होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की संरक्षण की वजह से उसकी गति और तेज हो जाती है। जैसे कोई आइस स्केटर जब अपने हाथ बंद करता है तो वो और तेजी से स्पिन करने लगता है, वही आलम यहाँ पर है। ये बहुत ही एक मज़ेदार मोशन है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल दो न्यूडानियम के चुंबक, शक्तिशाली चुंबक हैं, और एक स्टील की रॉड चाहिए और एक कांच की शीट चाहिए। इस प्रयोग को आप अंतिम बार दोबारा देखिए और उसको ज़रूर करके देखिए।